ताजी ताजी गिलकी दिख रही थी, पूरे पत्ते वत्ते लगे हुए थे, सब तुड़वा के लिया है। पापा को ज़्यादा कोई खाता नहीं है और हस्बैंड जी तो बहुत, और ये कल रात की दाल बच गई, ये रात में खा रहे हैं, मतलब ये खा के ही रहे मानेंगे। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो नया दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज है संडे और आज मैं अभी अभी सब्जी लेके आ रही हूँ। ये बैग टंगा हुआ दिख रहा होगा, तो ये देखिए सब्जियाँ लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे निकलना है घर कुछ दिनों बाद, मतलब जाऊँगी, दादाजी का 10वां 13वां होगा तो उसमें जाना है, तो सब्जी हिसाब से ही लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके, फ्रूट्स ही लेके आई क्योंकि बच्चों को लगेंगे और रास्ते के लिए भी कुछ बच जाएंगे तो लेके चली जाऊँगी। तो क्या है बच्चे खा लेंगे ना, ट्रेन वगैरह में लगता ही है। और तो आज जो जो सब्जियाँ लाई हूँ आपके साथ तो शेयर करूँगी, हर हफ्ते की शेयर करती हूँ क्या किसका भाव था वो भी शेयर करूँगी। और फिलहाल चलती हूँ अभी तो फ्रिज के पास, सारी सब्जियाँ लेके जाती हूँ। और टमाटर आज नीचे दब जाएंगे क्योंकि आज मैं दो ही झोला लेके गई थी, मत सोचा कि चलो दो झोले में सारा कुछ आ जाएगा, तीसरा झोला लेके नहीं गई थी और पकड़ने में बड़ी वो दिक्कत होती है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और गई थी मैं लगभग 6:30 बजे के लगभग। क्या था कि पैसे भी ख़त्म हो गए थे, कैश नहीं था, उस मार्केट में जाओ तो कैश की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिर गई ATM, कैश निकाला, कैश निकल नहीं रहा था, फिर दूसरे ATM में गई, फिर वहाँ से निकाला, तो आधे घंटे तो मेरे ऐसे ही चले गए। फिर मैं 7 बजे गई मार्केट और फिर 8 बज गए, 1 घंटा तो लग ही जाता है मार्केट में, भीड़ रहती है, कभी छुट्टे पैसे नहीं रहते हैं तो चेंज कराने के लिए देते हैं सब्जी वाले, तो टाइम लग जाता है। तो बस अभी चलते, फ़िलहाल तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए सब्जियाँ रख देती हूँ। तो आज लेके आई हम जामफल, जो कि बहुत बढ़िया मिले हैं, एकदम देसी और बहुत अच्छे भी रहते हैं खाने के लिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ जामफल, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फ़िलहाल तो इसे प्लास्टिक से निकाल देती हूँ। बड़ा ज़ोरदार बंद किया भैया ने, निकल ही नहीं रहा है, बाद में निकालेंगे। और केले लेके आई, केले तो मेरे बच्चों को लगते ही रहते हैं कभी बनाना शेक, तो यीशु अभी तो सो रहा है, नहीं तो उठेगा तो सारा केला खा जाएगा, ऐसा वाला है। तो केले इस बार बहुत अच्छे मिले हैं, तो एक दर्जन ही लिए क्योंकि फिर ख़राब हो जाते हैं, 3-4 दिन बाद निकल रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं था। और फिर एप्पल लिए हैं, तो एप्पल तो अभी मेरे पुराने भी रखे हैं और ये भी, तो जैसे भगवान पूजा वूजा करते हो तो चढ़ाने में लगते ही हैं, और जन्माष्टमी वगैरह आई तो लगेंगे, तो वो ले लिए हैं इतने, और जो बच्चे का तो फिर रास्ते के लिए लेके चली जाऊंगी। और इस बार मैं बहुत बढ़िया चीज़ लेके आई हूँ, ये वाली मिर्चियाँ, ये देखो आप कितनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ हैं, मतलब ऐसे एक एक बित्ते की हैं, गजब की मिर्ची है। तो ये मैंने सिर्फ 5 रुपए के लिए है, इसमें 10-15 मिर्ची चढ़ी है, बस ऐसे इसको देख करके मुझे लगा मैं ये मिर्ची तो खा के रहूँगी, तो बस कुछ नहीं करूँगी, जब भी ये बनाऊँगी ना इसको किस तरह से बना के खाते हैं, ये बड़ी अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, बहुत सही लगती है मिर्ची। तो ये मैंने मिर्ची ली है 5 रुपए की मात्र ली है। तो भैया ने बोला थोड़ी तीखी होती है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है, आप सूखी नहीं खाना इसको, वो थोड़ा फ्राई वाई करके खाना, बड़ी अच्छी लगती है, तो ये मिर्ची ली है मैंने। बड़ी अच्छी दिख रही थी, अलग टाइप की मिर्ची दिख रही थी, इसमें भी आती है एक जो लाइट ग्रीन रहती है वो तो काफी टाइम है, पर ये डार्क ग्रीन है, मुझे ऐसा लग रहा है बस कड़वी ना हो, बाकी तो चलेगा, बाकी तो ऐसे ही खा जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार लाई हूँ चुकंदर, मुझे बनानी है पाव भाजी, तो चुकंदर लाई हूँ रेड रेड करने के लिए भाजी को। और लौकी लेके आई, लौकी तो मेरी फेवरेट है। और गिलकी वगैरह लेके आई, गिलकी थोड़ी कम ही लेके आई, आधा किलो लेके, बहुत फ्रेश और बढ़िया जूसी है, अभी ताज़ी ताज़ी गिलकी दिख रही थी, पूरे पत्ते वत्ते लगे हुए थे, सब तुड़वा के लिया है। और टमाटर मैं 2 किलो लेके आई, इस बार टमाटर कैसे लेके आई हूँ। और ये पपीता लेके आई, और टमाटर तो इस बार मैं देसी वाले लेके आई हूँ, पर थोड़े कच्चे वाले लेके, एकदम से लाल वाले लेके नहीं आई हूँ, इसलिए लेके नहीं आई हूँ लाल वाले, क्योंकि वो लाती मैं कुछ टमाटर तो 1/2 किलो के करीबन बचा के जाऊँगी, और जितना अभी यूज़ होगा वो तो हो गए, और मेरे पीछे मार्केट के भी रखे हुए हैं टमाटर, तो चल जाएंगे ऐसे कुछ कुछ, अभी इतने टमाटर रखे हुए मेरे पिछले मार्केट के, अभी 2-3 दिन तक आराम से चल जाएंगे, देसी वाले ही इस बार लेके आई हूँ। तो इस वाले मार्केट में था ना कितना 20 रुपये किलो टमाटर मुझे मिला, 20, बाकी जगह जो जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ 20 मिल रहा था, और जगह बाकी वो क्या टमाटर ही टमाटर बेचते, तो भैया मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते, तो मैं वहीं से लेती हूँ, बाकी 25-30 ऐसे ही मिला, 30-35 तक ही टमाटर है, ज़्यादा तो महंगा नहीं है। तो ये मस्त टमाटर लिए हैं, और इसमें मोस्टली मैंने थोड़े कच्चे टाइप के लिए हैं इस तरह से, ताकि रखे रहेंगे फ्रिज में तो ख़राब नहीं होंगे, 1-2 हफ्ते आराम से चलते हैं। तो घर चली जाऊँगी,
तो आऊंगी तो ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे पास कुछ खाने को ही नहीं बचा हुआ है, मेरे पास चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और ये हो गया, आलू ले लिया था 2 किलो, क्योंकि बिल्कुल आलू ख़त्म हो गया, तो बिना आलू के बच्चों का तो बिल्कुल काम नहीं चलता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ में, कभी पराठे बना दो तो कभी कुछ। इस समय आलू बहुत अच्छे आ रहे थे, चिप्स वाले भी आलू आ रहे थे, आलू आ रहे हैं, पर वही सोच रही हूँ कि चिप्स वाले अभी आलू आ रहे हैं, चिप्स बनाऊंगी नहीं बनाऊँ, आलू के चिप्स लगते रहते हैं, बाद में आऊँगी तो घर से आके सोचूंगी बनाना है कि नहीं। यही लिया है और खीरा वगैरह लिया है, खीरा मेरे पास ऑलरेडी है, बच भी जाता तो मैं रास्ते के लिए भी लेके जाऊँगी, तो खाती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रिज में तो नहीं रखूँगी क्योंकि सूख जाएगा, फिर वो खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। और भिंडी बहुत अच्छी फ्रेश मिली है, इसमें बहुत सुंदर भिंडी मिली है, बहुत अच्छी फ्रेश से मिली है, तो वो ले लिया था 1 किलो। और गाजर वगैरह ले ली है, गाजर और गोभी ली है मैंने 2, तो रास्ते के लिए जो भी सब्जी लगेगी ना तो उसमें गोभी की भी सब्जी रहेगी, क्योंकि भुंजिया वजिया बना लो ना तो बच्चे अच्छे से पराठे के साथ खा लेते। 2 गोभी ली है मैंने, तो गोभी भी इस समय बहुत सुंदर आ रही है, ऐसी नहीं कि वो गंदी वाली, खाने में टेस्टलेस और जो बहुत जल्दी पक जाती है, जैसे ठंडियों में मिलती है ना, उस तरह की गोभी इस समय आ रही है मार्केट में, तो बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर सी आ रही है गोभी, तो मैंने 2 ले ली। और ये भी कितने की पड़ी थी मेरे को, 30 रुपये की 2 पड़ी थी, तो अच्छी है, साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने ले ली। चलो मेरा 1 का सब्जी बना लूँगी, और 1 का भाई का डिमांड है कि उसको बिरयानी खाना है, वेज बिरयानी खाना, तो वो भी बनाऊँगी, जब वो आएगा तब बनाऊँगी, या तो उसी से बनवा लूँगी, वो भी बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, और बिरयानी तो उसके हाथ की 1 है, 1 बनाता है वो। मैं सोच रही हूँ ना, इतने कंटीन से काम कर करके थक गई, उसी से बनवाऊँगी, पर वो भी सोचेगा दीदी के आई हूँ, दीदी के आया हुआ हूँ तो दीदी नहीं खिला रही है, मेरे से ही काम करवा रही है, पर चलता है ना। बस यही थी आज की सब्जी, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, बस इतना ही है, बाकी तो चीज़ें हैं मेरे पास, उसी से काम चलेगा। तो फिलहाल अभी लाइट भी आ गई है, तो मैं फ्रिज में सारा सामान रख लेती हूँ और नाश्ता बनाना है। और सोचती हूँ, बहुत दिन से पोहा खाने का मन कर रहा, पोहा बिल्कुल ख़त्म है, सोची हूँ तो आज बनानी है मुझे मसूर की दाल। तो मसूर को रात में ही भिगो के रख दिया था साफ़ करके, और 2 टमाटर छील के लिए, छिलका हटा करके लिया है, इससे क्या होगा कि मुझे बाद में छिलका नहीं हटाना पड़ेगा, और सारी की सारी दाल जाएगी कुकर में। और ये तड़का, ये वाली दाल ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें जाएगा टमाटर, और लास्ट में बस इसे फ्राई करूँगी। अच्छे से 2 टमाटर डाले हैं, काफ़ी अच्छा खट्टा खट्टा सा, बड़ा अच्छा लगेगा। इसके सामने ना सब्जी भी फेल हो जाती है, जब इस प्रॉपर अच्छे से बनाई जाती है ना दाल, इसके सामने सब्जियां भी फेल हैं। पानी और हल्दी पाउडर, नमक, और इधर छोटे साहब भी उठ गए हैं, और ये चीनी चाट रहे हैं सुबह सुबह उठ करके। बस कुकर बंद कर देते हैं, 2-3 सीटी में पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये फूली हुई है ना दाल। जब तक ये दाल पकती है तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों। तो आज नाश्ते में बना रही थी ब्रेड, मलाई वाला ब्रेड, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। इसमें डाला है मलाई ब्रेड के ऊपर, और इसमें डाली है थोड़ी सी शक्कर, और बस अच्छे से सेक लिया है, घी लगा के, बटर लगा के, जैसा भी चाहो आप सेक सकते हो, बहुत अच्छी लगती है ये। तो इस तरह से मैंने 2-3 ब्रेड बना ली थी, जो कि बहुत बढ़िया लगी थी, थोड़ा सा मैंने भी खाया था और बच्चों ने भी, और बस ऑमलेट बना लिया था। तो आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है। ये पूरी शक्कर क्यों खाई तुमने? ये लड़का ना, यहाँ पे शक्कर रहती है रोज, जो रेगुलर यूज होती है, उसको निकाल करके पूरा खा गया, मतलब ज़्यादा थी नहीं, 1-2 चम्मच के करीबन थी, आधा गिराया है आधा खाया है। चलो नाश्ता बन गया, चलो। तो ये नाश्ता रेडी हो गया है, मस्त मलाई वाला बना है, और ये बहुत खाने में अच्छा लगता है। मैं बचपन में बहुत खाती थी मलाई और ब्रेड, बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे। तो अब अपने बच्चों के बचपन के लिए बनाया है, बाकी उनका बचपना चल रहा है तो वो खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, बहुत ज़्यादा है। तो इधर दाल भी पक के रेडी हो गई थी, पूरी सेटी निकल चुकी थी, बस इसमें लगा रही थी तड़का। तो बहुत ही सिंपल सा तड़का लगाया था, हींग और लाल मिर्च और लहसुन और थोड़ी सा प्याज डाल करके और थोड़ी सी धनिया पत्ती, और बहुत ही बढ़िया दाल बन के तैयार हुई थी। और फिर इसके बाद बच्चों के लिए बनाया था बनाना शेक, और बस। तो अभी अचार लेके आई थी नींबू का, ये अच्छे से सेट हो गया, ऑलमोस्ट ये
50% गल चुका है क्योंकि इसे ना मैंने 5 दिन कंटिन्यू धूप में रखा है। तो अब क्या करूँगी, जो जितना भी रस नीचे है ना उसको मैंने ऊपर नीचे चलाया था, तो क्या है कि रस आधे में डूबा तो ये क्या ऊपर निकला हुआ है, मतलब ऊपर आ गया है पूरा अचार। ऊपर नीचे करते करते अच्छे से बैठा, नीचे दबा दबा करके अच्छे से बैठा दूंगी एक सूखे बर्तन की मदद से। तो ये सूखा है बिल्कुल, अच्छा साफ सुथरा लिया है, और ये क्या पूरा रस में डूबा रहेगा ना तो ख़राब होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। ये नहीं कहूँगी कि ख़राब हो जाते हैं, बट नहीं के बराबर तो हो ही जाते हैं, ख़राब नहीं होता जल्दी भी। तो ये पूरा रस में अच्छे से डूबा रहेगा क्योंकि ये गल चुका है ना, तो नीचे बैठ जाएगा आराम से। इतना अचार मेरे लिए काफ़ी है, आराम से साल भर तो आराम से कट जाता है क्योंकि खाती मैं ही ज़्यादा हूँ, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा कोई खाता नहीं है, और हस्बैंड जी तो बहुत टाइम बाद आएंगे, तब तक देखती हूँ अचार बचा तो रहेगा। तो ये देखिए जितना रस था ना इस नींबू का सब अच्छे से डूब गया है, और ये कल रात की दाल बच गई तो मैं सोची इसमें आटा लगा के रख देती हूँ और फिर बाद में पराठे बना लूँगी। तो दाल अब दोबारा ऐसे खाने का मन नहीं करेगा, पर पराठे के पराठे जैसा बनाऊंगी ना तो बच्चे खा लेंगे आराम से। तेल नहीं लगाओगी ना तो बाल कमज़ोर पड़ जाएंगे, तेल हमेशा लगाओ बालों में। तो जी शाम हो गई है और शाम की पूजा कर ली, और संडे ना संडे जैसा फील ही नहीं हो रहा है, घर में ही रह गई। पहले सोचा था बच्चों को लेकर के कहीं जाऊंगी, फिर हिम्मत ही नहीं हुई। आज मैं दोपहर में थोड़ा सोई, ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसी अच्छी वाली इतनी नहीं है। मोबाइल को साइलेंट में किया और सोई बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद, और शाम की पूजा हो गई है और बाहर भी दिया जला दिया है, तुलसी माता जी के पास, और बच्चे भी सो करके उठ गए, एक्चुअली नीचे खेल करके आ गए। अभी इनके बालों में लगाना है तेल और खुद के बालों में भी लगाऊंगी तेल, काफ़ी समय से अच्छे से नहीं लगाया, अच्छी मालिश करके मसाज करके इनको लगाऊंगी, और रात में ना तकिए के ऊपर कपड़ा रख दूंगी ताकि बिस्तर में ना लगे, तकिए में तेल ना लगे, और इन अच्छा भी लगता है सर में, अच्छे से मालिश कर लो ना तो बड़ी अच्छी नींद आती है। और अगर दिन में लगाते हैं ना तेल, गर्मी इतनी हो रही है ना कि गर्मी लगने लगती है और काम में मन नहीं लगता। और बेटी को यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा दिया था, इसकी स्कूल में कुछ कंपटीशन आने वाले हैं तो वो बुक्स मिली हुई हैं, तो उसको उसकी तैयारी करवा रही थी। और ईशु, और ये लड़का इतना बदमाश है, ये सिर्फ वहाँ जाके चढ़ेगा, वो देखिए अंधेरे में वहाँ जाके चढ़ा हुआ है, निकालेगा कॉपी किताब और उसको फेंक देगा, करना धरना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखेगा और फेंक देगा। और मैं आज सोच रही थी कि थोड़ा नान खटाई बनाने के लिए, वो जो घर में बनती है ना बिस्किट, बड़ी अच्छी लगती है, आप चाहो उसको बेसन से बनाओ, मैदे से बनाओ, अगर टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी, फिलहाल तो बेटी को पढ़ाऊंगी। और इधर बेटी ने तो अच्छे से लगवा लिया था तेल, और बेटे को लगाने में बड़ी आफत आती, इतना भागता ही नहीं, इतना नचा रहा था मुझे तेल लगवाने के लिए। तो मैंने भी अच्छे से हेयर में ऑयलिंग कर ली है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सर भी हल्का लग रहा है, और आगे थी वापस से किचन में, तो बच्चों के लिए डिनर बनाना है, और सिर्फ बच्चों के लिए बनाऊंगी क्योंकि आज मैंने दोपहर में जम के खा लिया था मटर, जो पहले इसके 2-3 दिन पहले उबाल के रखी थी, फ्रिज में रखी है, तो उसी की चाट बना के खा ली थी, उसमें ढेर सारा प्याज टमाटर खीरा वगैरह कट करके डाल दिया था और उसी को खा लिया था। तो मेरा पेट तो अभी फुल है, तो मैं रात का डिनर स्किप करूँगी, नहीं खाऊँगी। और इधर ये काली वाली कढ़ाई चढ़ा रखी, इसमें थोड़ा सा तेल है, मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए आलू और भिंडी की मस्त वाली भुजिया बनाऊंगी, और ये आटा दोपहर में गूंथ के रखा था, जो दाल बची थी, तो दाल वाले पराठे बच्चों के लिए हो जाएंगे, तो आप भिंडी की भुजिया के साथ दाल वाले पराठे। तो अभी बस बनाने ही जा रही थी, कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ पर अब से कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ भिंडी डालूंगी और इसके ऊपर से डालूंगी कुछ कुछ मसाले, तो पतली पतली सी भिंडी डालूंगी इसमें। और इधर मैं भुजिया बना रही थी और ईशु बार बार आके परेशान कर रहा था, चूल्हे पे आके चढ़ जाता है और बस कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है। ये निकाल बनाने जा रही थी नान खटाई, तो यहाँ पे शक्कर चीनी जो भी आप बोलते हो वो ले लिया है मैंने, और चाहो तो पीसी वाली ले लो, यहाँ पे डालूंगी तेल इलायची और इसका पाउडर बनाना है। अगर मैंने इसको तुरंत खोला ना तो शक्कर ही शक्कर बाहर आएगी, अभी इसे थोड़ा सा रहने देती हूँ, नॉर्मल नीचे जो शक्कर पीसी हो ना बैठ जाएगी तो खोलूंगी। तो बिल्कुल हेल्दी वे में बनाऊंगी, इसमें मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, तो इस तरह की एक छन्नी ले ली है, क्योंकि ना मैदे को थोड़ा छान के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे एयर बनती है और अच्छा नान खटाई बनके तैयार होता है। तो ये ले लिया है, इसे अच्छे से ऐसे से करके पूरा बारीक कर करके पूरा अच्छे से छान लेंगे, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रह जाएंगी जो बेसन में अक्सर रहती हैं अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, अब इसमें जाएगी सूजी, तो सूजी ज़्यादा नहीं डालूंगी,
तकरीबन 2 चम्मच ही डालोगे, जो एक क्रिस्पी सा दरदरा सा रहता है ना वो समझ में आता है इसमें। आप चाहो तो इसमें अगर मैदा भी डाल सकते हो, मैं तो आटे का यूज करूंगी। तो इसमें जाएगा आटा, इसको भी छन्नी से अच्छे से छान लेंगे आटे को भी। मैदा यूज करोगे तो अच्छा व्हाइट व्हाइट बनेगा, आटा यूज करोगे तो उतना व्हाइट तो नहीं रहेगा, येल्लो कलर आएगा मैदे का, जो कि वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा और आटा डालूंगी, आटा थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा आटा और डालती हूँ। तो इसमें आटे का रेशियो कैसा है कि मान लो कोई भी आप मेजरमेंट वाला कप या कटोरी लेते हो, तो उसमें अगर एक कटोरी आपने बेसन का यूज किया है तो 1/4 हिस्सा आप उसका, चौथाई हिस्सा आप उसमें आटा यूज करो, और उससे भी थोड़ा कम इसमें सूजी यूज करो, 2 से 3 चम्मच, बस वो करारेपन के लिए, जो थोड़ा सा दरदरा सा आता है ना बिस्किट में, उसके लिए। बाकी सूजी का ज़्यादा यूज नहीं करना है, और शक्कर वगैरह तो पीस के ही डालनी है आपको। अब जिसका सामान का यूज कर चुकी हूँ उसको रख देती हूँ, नहीं तो काउंटर में ना बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाता है। और इसी में डालूंगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। और इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। शक्कर और नमक का कॉम्बिनेशन आता है, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालूंगी इसमें नमक, जो कि नान खटाई ना बहुत बढ़िया बनती है नमक डालने से। हल्का सा नमक डालना है, और इन सबको भी रख देती हूँ फटाफट से। इसमें आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो और घी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों को यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगी। इतना एक टाइट सर दो तैयार हो जाए ना, मतलब एक अंदाज बता रही हूँ कि एक टाइट सर दो तैयार हो जाए उतना ही आपको घी या मटर का यूज़ करना है। आप चाहो तो फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो घी और बटर को, और वैसे भी ठंडा ठंडा डालो तो भी बन जाएगा। और इसमें जाएगी सारी की सारी शक्कर, इलायची फ्लेवर की बन चुकी है शक्कर, तो ये डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और घी कम ज़्यादा लग रहा है तो बाद में भी डाल सकते हैं, और ये जितना भी बनाया था ना मिक्सचर, ये सारा का सारा चला जाएगा इसमें। अब मैं इसमें हाथ का यूज़ करूँगी, ये थोड़ी सी शक्कर इसमें बची हुई तो क्यों छोड़ूँ, इसको भी डाल ही देती हूँ। और बस यहाँ डो तैयार कर रही थी, तो जितना भी मिक्सचर है सबको अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लगता है कि बीच में घी या बटर कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो, तो मुझे कम लग रहा था तो बस ये डाला है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही पहले आपको पूरा गूंथना है, तभी समझ में आएगा, पहले से ना मिलाएं। और बस ये डो तैयार हो गया था, और यहाँ पे लगा दिया है बटर पेपर थोड़ा सा ग्रीस करके। ये माइक्रोवेव की मेरे पास प्लेट थी तो वही डाली है इसमें, और इस तरह से गोल गोल बना लेना है, ज़्यादा चिपटा ना करें, हल्का सा बस दबाया ही अपने आप ही फ्लैट हो जाएगा। जब ये पूरे अच्छे से बेक होने लगेगा ना तभी जाके अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया था काजू पिस्ता, आपकी जो भी श्रद्धा है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बस ये बन के तैयार हो गया है, और इसे डाल दूँगी मैं 20 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड में, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। सर ये बढ़िया सी बेक हो रही है, हल्के हल्के से क्रैक आने लगे इसमें, यानी अभी 4 मिनट है इसमें, ये 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और इधर मैंने पराठे बना लिए बच्चों के लिए, और इधर सब्जी भी रेडी हो गई है। तो इसमें बस थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हल्दी और नमक डाला था, भुजिया बनके तैयार है। तो बच्चों को खिला देती हूँ, इनको बिल्कुल सब्र नहीं हो रही है, बार बार यहीं पे। तो नान खटाई देख लेते हैं, इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर दिया था, मतलब बंद ही हो गया था इसका, और इसको ना बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है गरम गरम में, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, टूटी टूटी से निकलेगी। तो काफ़ी हद तक ये ठंडी हो चुकी है, और कुछ इस तरह का कलर है पीछे से, बहुत बढ़िया सी बन के तैयार हुई है ये रही। और इसे और अच्छे से ठंडा कर लूँगी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, और इसके बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी, और ये लंबे टाइम तक चलती रहेगी। क्या खा रहे हो ईशु, क्या खा रहे हो? ये भैया इनको चैन नहीं है, ये अभी रात में खा रहे हैं, मतलब ये खा के ही रहे, मानेंगे सुबह नहीं, इंतज़ार नहीं हो रहा था तो ये बैठ गए नान खटाई खाने के लिए, और बोल रहे हैं चॉकलेट अच्छा है मामा, चॉकलेट अच्छा है। अच्छा है ईशु, कितना अच्छा है? ओ मेरा, क्योंकि ये इधर आ गई इनकी बहन, तो ये बोल रहे हैं अब ये मेरा है भैया, लेना लेना मेरा तुम। ते छोटे से बच्चों को अपने खाने की इतनी ज़्यादा चिंता है, खा नहीं पाएगा मुझे मालूम है, पर शेयर भी नहीं करेगा।